आज फिर मेरा सर तुम्हारी गोद में है माँ, एक बात फिर मुझे सुना दे माँ। नहीं, नहीं विजय, विजय! दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिनके किरदार इतने फेमस हो गए कि लोग आज भी उन्हें उन्हीं किरदारों की वजह से याद करते हैं। बॉलीवुड में आपने एक ऐसी माँ देखी होगी जो हमेशा अपने बिछड़े बच्चों को याद करके रोती और दुखी रही। ये वो माँ थी जिन्होंने लगभग हर फिल्म में दुख देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरुपा रॉय की। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, जिन्होंने ज़्यादातर माँ का ही किरदार निभाया और बच्चों को बचाने के लिए हर समय या तो प्रार्थनाएं करती रहीं या दुख झेलती रहीं। मेरे ला तुझको ढूंढूं मैं कहां। अपने 5 दशक तक लंबे करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी इमोशनल रही। असल में निजी ज़िंदगी में निरुपा रॉय अपने बच्चों से ही दुखी रहीं और जो भी गम मिला वो उनके बच्चों से ही मिला। निरुपा रॉय, इनका पूरा नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में जन्मी निरुपा रॉय को हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला। एक ऐसी माँ जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ आता था, लेकिन ये प्यार उनके बच्चों को उन पर नहीं आया। उनके पिता किशोर चंद्र बुलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। पहले निरुपा रॉय का नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छीबी कहकर बुलाते थे। क्रांता उर्फ निरुपा रॉय अभी स्कूल में ही थी जब उनके पिता ने उनकी शादी 14 साल की उम्र में कमल रॉय से कर दी और शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। इस तरह वो अभी फिल्मों में नहीं आई थी और करियर शुरू करने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। साल 1945 में निरुपा रॉय अपने पति के साथ मुंबई आ गईं। अपना करियर बनाने के लिए निरुपा रॉय मुंबई पहुंची थी। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवान। जीवन के बिना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंबल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे आस हो चाहे दूर हो मेरे। दरअसल उन्होंने एक अखबार में एक कहानी देखी थी जिसके बाद ही वो इंटरव्यू देने के लिए प्रोडक्शन हाउस पहुंची थी और यहीं से उन्होंने अपना नाम बदला और बन गई निरुपा रॉय। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। पति के कहने पर निरुपा रॉय ने 40 के दशक में आने वाली गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी याद हमेशा उनके साथ बनी रही। दरअसल उस फिल्म के लिए निरुपा रॉय और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही अहम भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था,
जिसमें निरुपा रॉय को तो लीड रोल मिला लेकिन उनके पति कमल रॉय रिजेक्ट हो गए। लेकिन बाद में उन्हें भी हटाकर अंजना को ये रोल दे दिया गया। लेकिन उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। ये खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था, खासकर उनके पिता। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थे। निरुपा रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया, लेकिन पापा आखिरी सांस तक अपनी कही बात पर अड़े रहे। मेरी माँ मुझसे छिपकर मिलती थी। निरुपा रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1946 में आई गुजराती फिल्म गण सुंदरी से की थी। साल 1949 में रिलीज़ हुई फिल्म हमारी मंजिल से उन्होंने हिंदी फिल्म की ओर भी रुख कर लिया था। इसके बाद उन्हें फिल्म गरीबी में काम मिल गया। फिल्मों से मिली सफलता के बाद उनकी पहचान एक एक्ट्रेस के रूप में होनी शुरू हो गई। साल 1953 में आई दो बीघा ज़मीन निरुपा रॉय के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था। साल 1955 में फिल्म मुनीम जी में निरुपा रॉय ने देवानंद की माँ की भूमिका निभाई। फिल्म में अपनी एक्टिंग के चलते उन्हें बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन इसके बाद 6 सालों तक उन्होंने माँ की भूमिका स्वीकार नहीं की। लेकिन फिर 1961 में आई फिल्म छाया में वो माँ की भूमिका के रोल में नजर आई थी, जिसमें वो आशा पारेख की माँ बनी थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में भी निरुपा रॉय की भूमिका काफ़ी प्रभावशाली रही। उन्होंने सर्वप्रथम फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभाई। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे बहुत चाहती हो माँ, मैं जानता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वो अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका में दिखाई दी। अरे माई, तुम इधर गर्दी में क्या करता है? तुम कौन हो? अरे अपन एंथनी, एंथनी गोंसाल्वेस। बेटा तू? हाँ। साल 1999 में प्रदर्शित फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका में दिखाई दी थी। निरुपा रॉय को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत प्यार मिला, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी निजी जिंदगी में अपने परिवार से और अपने बच्चों से कभी प्यार नहीं मिला। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। निरुपा रॉय के दो बच्चे हैं, योगेश और किरण रॉय। दरअसल उनके छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने निरुपा रॉय, उनके पति और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। साल 2001 की बात है, जब निरुपा रॉय के गिरफ्तार होने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे और कहा था कि निरुपा रॉय ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें किसी फिल्मी बेटे ने इतने दुख नहीं दिए जितने उनके अपने बेटे ने दिए थे। उनके बेटे किरण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। भले ही योगेश को माता पिता के घर में उनके साथ रहने की इजाज़त थी, लेकिन योगेश को मम्मी और डैडी के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो माँ और पापा से बुरा व्यवहार करता था और उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ़ व चोट पहुँचाता था। वहीं माता पिता के आखिरी समय में भी वही उनके साथ थे। वही माँ व पिता अपनी वसीयत से जायदाद उनके नाम कर गए थे, लेकिन योगेश भी इस मामले में कोर्ट पहुंचा था। तो देखा आपने दोस्तों, निरुपा रॉय जिन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया और मरने के बाद भी उनके लिए एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ गई। 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक आने से निरुपा रॉय इस फानी दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। निरुपा रॉय की डेथ के बाद दोस्तों उनके दोनों बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहा। वैसे ये हैरानी की बात है कि महज 4th क्लास तक पढ़ी निरुपा रॉय ने 1963 में मुंबई के नेपियंसी रोड पर
10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। बता दें कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। निरुपा रॉय की डेथ के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन कमल रॉय की मौत के बाद उनके दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई हो गई। छोटे बेटे किरण का दावा था कि उनके बड़े भाई योगेश ने निरुपा रॉय और कमल रॉय को खूब परेशान किया था, जिसकी वजह से दोनों लोग ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। किरण के मुताबिक निरुपा रॉय ने उनसे यहाँ तक कह दिया था कि उनकी मौत के बाद उनके बेडरूम में किरण ही रहें और योगेश को उस कमरे में घुसने दें। इस बारे में जब भी योगेश से सवाल किए गए, वो हमेशा जवाब देने से बचते रहे। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।